आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं डुमस के बारे में। डुमस इंडिया में थर्ड नंबर की हॉरर प्लेस है। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डुमस में दिन में तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रहती है, अगर रात की बात की जाए तो डुमस में काफ़ी कम पब्लिक रहती है। माना कि डुमस एक हॉरर प्लेस है, इसकी वजह से डुमस में रात में सन्नाटा छाया रहता है। आइए एक किस्सा सुनते हैं डुमस के बारे में। कुछ समय पहले कुछ दोस्तों ने मिलकर डुमस में बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जाने का प्लान बनाया। तब रात के 12:30 बज चुके थे। फिर वो लोग तुरंत ही डुमस जाने के लिए निकल गए। उन्होंने कुछ सामान लिया रास्ते से और वो लोग डुमस जाने के लिए निकल गए। तब रास्ते में थोड़ी बहुत पब्लिक दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वो लोग डुमस के रास्ते पर चढ़े तो डुमस का रास्ता पूरा सुनसान था। थोड़ी ही देर में वो लोग डुमस पहुंच गए। डुमस पहुंचे वहां पर कुछ 4 रास्ते दिखाई दिए उन्हें। कार पार्क करके वो लोग डुमस की ओर आगे चल दिए। वहां पर रास्ते में काफ़ी स्टॉल दिखाई दिए, लेकिन सारे स्टॉल बंद थे। डुमस का सीधा रास्ता जा रहा था, वहां पर वो लोग बाइक्स लेके चल गए। आगे थोड़े आगे जाते ही फिर से 2 रास्ते दिखाई दिए। 2 रास्ते में से 1 रास्ता डुमस गांव की ओर जा रहा था और दूसरा रास्ता डुमस दरिया की ओर जा रहा था। जो रास्ता डुमस दरिया की ओर जा रहा था उस रास्ते पर वो लोग चले गए। वहां से नीचे उतर के वो लोग थोड़े आगे पहुंचते ही दरिया पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने खूब एंजॉय किया, केक कटिंग किया, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, लेकिन तब तक डुमस में रात के 2:30 बज गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद वो लोग बातें करते करते बाइक्स लेके आगे निकल गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके ग्रुप में से 2 लोग पीछे रह गए। जब तक उन्हें पता चलता कि 2 लोग पीछे रह गए, वो काफ़ी आगे निकल चुके थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कॉन्टेक्ट करने की ट्राई की, लेकिन किसी का कॉल नहीं लगा और वो 2 लोग गुम हो गए डुमस में। हालांकि रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था। वो दोनों चारों तरफ देखते देखते जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते थे तो पीछे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे देखते थे तो आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग सीधा सीधा चलते गए। उन लोगों ने काफ़ी उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो लोग तब भी नहीं आए। करीब 1/2 घंटा जैसा इंतज़ार करने के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचे। जब वो उनके पास पहुँचे तो वो दोनों बहुत डरे हुए थे। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछते, वो दोनों घबराए हुए थे और बोले कि जल्दी से चौराहे की ओर चलो। वो लोग 2 चौराहे की ओर चल दिए। थोड़े ही देर में वो चौराहे पर पहुंच गए। चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने अपना मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा था, लेकिन जब भी उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्राई करने की कोशिश की तब उनका कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। हालाँकि वो लोग गुम हो गए थे डुमस में, उनका कॉन्टेक्ट डुमस में अपने दोस्तों से नहीं हो पाया। उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो दोनों बताने लगे कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का भास हुआ था। उन लोगों ने पीछे मुड़ के भी काफ़ी देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। धुआं भी काफ़ी छा रहा था, तभी वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके मोबाइल्स भी बंद होने लगे थे, लेकिन चौराहे पर पहुंचकर सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो लोग जल्दी ही घर जाने के लिए निकल गए। उनके थोड़े दिनों बाद वो लोग दिन में डुमस आए। तब वहाँ पर काफ़ी स्टॉल थी, वो सब चालू थी, तो उन लोगों ने वहाँ पर जाके एक अंकल से पूछा तो अंकल ने बताया कि यहाँ पर रात में कोई नहीं आता है। फिर भी कोई लोग ऐसे होते हैं जो रात में यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर रात में आने के लिए किसी ने परमिशन नहीं दी है, फिर भी वो लोग आते हैं। हालांकि डुमस थर्ड नंबर पे हॉरर प्लेस से, इसलिए वहां रात में जाने की परमिशन नहीं है। पर डुमस के पास में ही श्मशान भी है, जिससे यह साबित होता है कि वह डुमस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है। डुमस में रात के बजाय दिन में ज़्यादा पब्लिक आती है, क्योंकि रात में डुमस में जाने के लिए परमिशन नहीं है, और दिन में तो डुमस में ज़्यादा ही पब्लिक आती है। खास तौर पर अमास और पूनम के दिन वहाँ पर भर्ती आती है, तो ज़्यादातर पब्लिक उन्हीं दिनों में दिखाई देती है। अगर आपको हमारे डुमस के बारे में वीडियो अच्छा लगे
तो शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए।